हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रश्मि त्यागी। तो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? तो आ जाइए व्लॉग पर। मेकअप किस तरह से हुआ है देख लीजिए। ये अभी मैंने पहन लिया है गाउन, तो मैं होऊंगी रेडी, फिर दिखाऊंगी आपको कैसी लग रही हूँ। सो देखिए, मैं आ गई हूँ गाउन पहनकर और जा रही हूँ पार्लर। तो सीधा मिलूंगी आपको पार्लर में और वहीं से रेडी होंगी और फिर देखना मेरा फाइनल लुक। अभी देखिए, बिल्कुल सिंपल हूँ, कुछ भी नहीं अप्लाई किया है एंड नेल पेंट तक भी नहीं लगाई है। तो सब कुछ पार्लर वाली ही अप्लाई करेगी, उसने बोल दिया था आप सिंपल आना एकदम। तो मैं बिल्कुल एकदम सिंपल, बस ओनली गाउन ही वियर किया है। और सबसे बड़ी गड़बड़ जो इसमें हो गई है ना, वो हो गई है फिटिंग की। मैंने ट्राई नहीं किया घर पे आके, उसने इस तरह से फिटिंग की है तो थोड़ा लूज लूज सा हो रहा है, ये अच्छी सी फिटिंग नहीं आई है, दोबारा से करानी पड़ेगी मेरे को। वही कहते हैं ना, पहले से ट्राई कर लो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, इस चक्कर में कभी मत रहो। पर क्या करें, अब तो फंक्शन है आज, तो बस कुछ नहीं कर सकते। मैंने स्लीव्स के लिए भी बोला था, उसने बोल दिया इसके अंदर स्लीव्स निकली ही नहीं, तो ये मेरा बैड लक हो गया। सही में सोचा क्या था, क्या हो गया। तो कोई नहीं है, अभी रेडी होके दिखाती हूँ, फिर बताना कैसी लग रही हूँ पार्लर में और कैसा मेकअप किया, मेरा मेक ओवर हुआ कि नहीं। तो ये मेक ओवर व्लॉग होने वाला है गाइज, और देखते हैं कैसा लुक आता है। अभी तो बिल्कुल एकदम सिंपल वाला लुक है। मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए मेहंदी का कलर काफी अच्छा आया है और अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। तो मेहंदी का कलर काफी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और अभी दूसरे हाथ की भी दिखा देती हूँ, ये देखो मेहंदी है रचने वाली। तो मैंने तो पहले ही लगवा ली है मेहंदी, वैसे तो मेहंदी का फंक्शन कल है बट मैंने पहले ही लगवा ली, क्योंकि फिर ना ये 3 दिन लगातार फंक्शन है, तो उसमें फायदा यही है कि पहले से ही लगवा लो और अच्छा सा कलर आ जाएगा और अच्छे भी लगता है ना, डांस वगैरह करते हैं तो अच्छी सी लुकिंग आती है। तो चलिए जी, सीधा मिलती हूँ आपको पार्लर में। व्लॉग को मिस मत कीजिएगा, ये मेक ओवर व्लॉग होने वाला है कि एकदम सिंपल लुक के बाद कैसे एकदम चेंज होने वाला, ठीक है। हो गए हैं लेट क्योंकि आ गई थी ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर, यहाँ पर खड़े खड़े 15 मिनट हो गए हैं, वैसे ही लेट हो रहे थे और भी इसी के कारण और ज्यादा लेट हो गए हैं। आ गई हूँ मैं पार्लर और जैसे ही आई हूँ पीछे वेट हो रहा है और ये जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि फोन कर देना जब रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी ट्रेन आ गई तो लेट हो गए, आधा घंटा लेट है पूरा। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कैसे होता है मेक ओवर। तो भी आ गई हूँ और यहाँ पर तो पता नहीं वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हेलो जी, मैं आ गई, लेट हो गई पता है, ट्रेन आ गई थी और उसके चक्कर में ना 20 मिनट लेट हूँ और फटाफट रेडी करना पड़े क्योंकि फंक्शन पता चला निकल गया। तो ये मेरे को आइडिया दे रही है कि एक्सटेंशन लगवा लेना, यही आइडिया सेम भाभी ने दिया था कल मुझे कि दीदी क्या बनवा रही हो, तो मैंने कहा पता नहीं बाल ही नहीं रहे सर पे और अब क्या बनवाऊंगी, तो कह रही है एक्सटेंशन लगवा लेना। मतलब पहले असली बाल काट दिए, अब नकली बाल लगाने की बात हो रही है। अब आप देखो पार्लर वाले ऐसे नहीं करेंगे तो पार्लर चलेगा कैसे? ओह माय गॉड, बिल्कुल सही सही पकड़े हैं आपने। यही तो चक्कर है, सुंदर बनाना है तो कुछ तो करना होगा। वही तो है, कुछ बढ़ाना है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलो जी ठीक है, अभी हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, मेक ओवर स्टार्ट हो गया है हमारा, देखिएगा जरूर व्लॉग को। सो अभी मेरा पता नहीं क्या होने वाला है, नेल पेंट वगैरह लगा लेंगे इतने, है ना, टाइम थोड़ा वो भी हो जाएगा। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर और दिखा देती हूँ कैसा है। ये ओडी पार्लर है, ये जो मैंने हेयर कट कराया था ना, वो इसकी दूसरी ब्रांच है और ये दूसरी है। तो बिल्कुल
रिलैक्स होकर रेडी होने के लिए बैठ गई हूँ और टाइम कुछ ज्यादा नहीं है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है रेडी होने में। 1 आवर तो लगता ही लगता है, तो अभी ये क्या करने वाली हैं। पर मेकअप स्टार्ट किया जा रहा है, सब कुछ रेडी कर लिया गया है और अभी मैं भी रेडी होने वाली हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लगूंगी। फाइनली भाई की एंगेजमेंट का दिन आ ही गया, तो एंगेजमेंट का व्लॉग तो आपको बाद में मिलेगा देखने के लिए, लेकिन मेकअप व्लॉग मैं दे रही हूँ पहले ही, तो व्लॉग मिस मत कीजिएगा। भाई का व्लॉग भी जल्दी ही दूंगी अपने चैनल पर। हो गया है और हेयर एक्सटेंशन का काम चल रहा है। मेरे बाल लंबे हो जाएंगे छोटे से जो आप देखेंगे। ये कैसे जादू हुआ जादू। किसी को बड़े बाल कराने हैं तो कैसे कराएं? एक दिन हो जाएंगे। मैं घबराए ना, है ना, डोंट वरी, हम सब ठीक कर देंगे। सही बात है। तो अभी देखिए आई मेकअप इन्होंने स्टार्ट कर दिया है मेरा और पता नहीं कैसा लग रहा है अभी, तो खैर फाइनल तो बाद में ही पता चलेगा, अभी स्टार्ट हो गया है। इन्होंने बोला कि आई लैशेस लगवा लीजिए, 100 रुपीज़ की सिंपल है और 300 की नेचुरल है, बट मैंने बोला है कि मेरे को तो अनमोल में मैं मेकअप कराती हूँ तो वो मनाही कर देती, तो बोल रही जरूरत नहीं है, नेचुरली लग रही है। गाने ना ओल्ड इज गोल्ड है, सच्ची में मज़ा आ रहा है पुराने गाने सुन के। मैं तो ललिता पवार सी लग रही थी अभी, आंखें बंद हो रही थी, हाथ ही खुल रही थी, आंखें बंद हो रही थी। रील बनाएंगे, रील लवर तो यहाँ बनाया जाएगा। भीगा भीगा है समा, तो मैं कह रही बारिश पड़वाओ पहले, तब करेंगे डांस। करवाओगे बारिश? या बिल्कुल करते हैं बारिश, चलो शावर नीचे। लेकिन फिर से मेकअप करना पड़ेगा, क्या फायदा? मेकअप तो वाटरप्रूफ है, जब तक हाथ नहीं लगेगा पानी बहेगा सब ऐसे रहेगा। सही है, ये तो सही कह रही हो वैसे, फिर तो एक चांस लेना चाहिए। भीगा भीगा है समा, फिर हम भी वायरल हो जाएंगे। फिर हम भी वायरल हो जाएंगे। वो भी तो ऐसी वायरल हुई है भाई, वायरल का क्या पता चल रहा है, कौन वायरल हो जाए, कब वायरल हो जाए। तो अभी यहाँ पर हेयर सेट किए जा रहे हैं, मेकअप तो हो ही गया लगभग। सल्टी हो जाए, सबको धोखा देने वाली हूँ आज मैं अपनी जीभों से। लहरा के बलखा के गोवा लगाना गा, उस पर डांस करेंगे। आगे लहरा के दिलों को जिला के, यहाँ पर देखो एलेक्सा से बोला जा रहा है कि आशा भोसले के गाने चलाओ। मैं कह रही हूँ एलेक्सा हाउ टू गेट स्लिम विदाउट एनी जंक फूड एनी डाइटिंग, और उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए फास्ट फूड ऑल्सो, है ना। तो मतलब बताएगी तू एलेक्सा, नहीं तो फिर फायदा क्या है ना, अगर वो ऐसे काम नहीं करती तो वो एलेक्सा नहीं हुई। वो कहेगी चुप, जब कोई खाने के लिए बोले ना तो फिर आपको क्या करना है, बस चुप रहना है और इधर इधर ऐसे करके मुंह हिला देना है ना। एलेक्सा यही बोलेगी, कुछ नहीं खाना है, पार्टी में जाना, कुछ नहीं खाना, पतले अपने आप हो जाओगे, उनसे पूछो रोज, इसलिए हम नहीं पूछ रहे, कैंसिल कैंसिल। तो सही में बहुत मौज मस्ती की है हमने यहाँ पर। अभी नावेद की भी बात चल रही थी क्योंकि बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, तो जब भी हम मतलब मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं ना तो यही बात चलती है कि नावेद के जोक्स चलाइए, तो ये भी देखती है फॉलो करती है, तो शादी का सीजन है तो उसी की बात चल रही है यहाँ पर। तो अभी हो चुका है मेरा मेकअप, अभी बाहर चलते हैं और दिखाते हैं फाइनल लुक आपको। बहुत फटाफट से किया है इन्होंने, आधे घंटे में ही कर दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा है, तो अभी चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक।
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सो गाइस, फाइनली मेरा मेकअप हो गया और मैं अभी फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। व्लॉग का एंड तो कर दिया, पर सोचा दिखाई देती हूँ। ये देखिए, पीछे से कुछ ऐसी लग रही हूँ और अभी आगे से लुक कुछ इस तरह से आया है। तो मेरी लुकिंग काफी मुझे ही पसंद आ रही है, तो आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी। गाउन के साथ ये वाला एक्सटेंशन काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, मेरे हेयर से मैच कर रहा है, तो काफी प्यारा सा लुक आया है ये देखिए। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके आपको कैसा लगा ये लुक, और मैं विद मेकअप, मेकओवर हो गया गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। तो अभी हम चलते हैं पार्टी में, इसमें आ गई रेडी होकर, और ये भी आ गए हैं हमारे जनाब, और स्नेहिल भी। हेलो स्नेहिल। हेलो। तो अभी चलते हैं पार्टी में गाइस, मिलते हैं कल व्लॉग में आपको।